जिला पुलिस चित्तौड़गढ़ की पहल एवं सांवलिया मंदिर ट्रस्ट की प्रोत्साहन एवं सहयोग से जिले की सभी 299 ग्राम पंचायतों में हेलमेट जागरूकता एवं वितरण का अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के 50 युवकों को सड़क सुरक्षा व यातायात जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण के बाद हेलमेट दिए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि जिला पुलिस की पहल पर श्री सांवलिया मंदिर ट्रस्ट के प्रोत्साहन एवं सहयोग से जिले की सभी 299 ग्राम पंचायतों में हेलमेट जागरूकता एवं वितरण के अभियान के संबंध में सोमवार को जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में DRDA सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राकेश पुरोहित चित्तौड़गढ़, SP अर्जुन सिंह, राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी व अन्य हितधारक विभाग, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में लगभग 15,000 सड़क सुरक्षा अग्रदूतों का चयन किया जाएगा तथा सभी ग्राम पंचायतों में 50-50 युवाओं को सड़क सुरक्षा व यातायात जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें हेलमेट वितरण किया जाएगा। ये सभी सड़क सुरक्षा अग्रदूत आमजन में सड़क दुर्घटना के समय घायल की मदद करने, यातायात के नियमों का पालन करने, लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने संबंधित जागरूक करने का कार्य करेंगे।